हर हर महादेव भक्तों, जय श्री आराम भक्तों। मैं आपकी फ्रेंड माधुरी एस्ट्रोलॉजर आप सभी के साथ इस वीडियो में हम सभी हनुमान जी का प्राकट्य दिवस किस प्रकार से सेलिब्रेट करेंगे, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए और किस विधि से हमें पूजा पाठ करनी चाहिए, इन सब बातों पर डिस्कस करने वाली हूँ। उसके पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को और भी भक्तों के साथ शेयर जरूर करें। हम सभी हनुमान जी का प्राकट्य दिवस हर वर्ष चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन करते हैं। इस वर्ष पूर्णिमा तिथि 16 अप्रैल दिन शनिवार का होगा, उस दिन है, विच मीन्स कि हम सब शनिवार के दिन हनुमान जी प्रभु का प्राकट्य दिवस सेलिब्रेट करेंगे। हनुमान जी कौन है, सबसे पहले ये जानते हैं। प्रभु हनुमान जी हमारे भोले बाबा के 11वें रुद्र अवतार हैं। जी हाँ, प्रभु राम जी की सेवा करने के लिए ही भोले बाबा ने हनुमान जी का अवतार लिया था। इनकी माता का नाम अंजनी है, पिता का नाम केसरी है और पवन देव भी इनके पिता हैं। बात करते हैं पूजा की, हनुमान जी के प्राकट्य दिवस पे किस प्रकार से हम सभी पूजा करेंगे। सुबह सुबह सूर्योदय के पहले आपको जाग जाना चाहिए। ऐसे तो शास्त्रों में माना जाता है कि हनुमान जी का प्राकट्य दिवस हम सभी ब्रह्म मुहूर्त में सेलिब्रेट करते हैं, परंतु आप चाहें तो पूरे दिन भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, या फिर मध्याह्न के समय भी, कहीं कहीं ऐसा मान्यता है कि दोपहर में 12 बजे हनुमान जी का प्राकट्य हुआ तो हमें उस समय उनका प्राकट्य दिवस सेलिब्रेट करना चाहिए। अभी आपकी मर्जी है, आप किस तरह से करना चाहते हैं। सुबह स्नान करके आपको चाहिए कि आप लाल कलर के वस्त्र पहने, धुले हुए वस्त्र पहने, नए वस्त्र तो अच्छी बात है। अपने घर में चाहें तो आप पूजा करें, या मंदिर में, घर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, या फिर आप चाहें तो साउथ डायरेक्शन में भी हनुमान जी की फ़ोटो रख करके पूजा कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि दक्षिण दिशा जो होती है ना, वो हनुमान जी को बहुत प्रिय है, तो हम वहाँ हनुमान जी की फ़ोटो अपने घर में स्थापित कर सकते हैं, मूर्ति स्थापित करके उनकी पूजा कर सकते हैं। पूजा करने का विधान बहुत ही सरल होता है। आपको सुंदर सी चौकी पे, पाट पे लाल कलर का वस्त्र बिछा देना है, उस पे भगवान जी की मूर्ति रखनी है, फोटो रखनी है। एक बात याद रखेंगे, प्रभु श्री राम जी की फोटो या मूर्ति साथ में आपको जरूर रखनी है, क्योंकि राम जी चले ना हनुमान के बिना, हनुमान जी चले ना श्री राम के बिना, ये आप सबको पता है। तो जहाँ प्रभु राम होते हैं वहीं हनुमान जी होते हैं, जहाँ हनुमान जी जाते हैं वहाँ प्रभु राम जी की कृपा जरूर होती है। तो आपको सर्वप्रथम हनुमान जी का अभिषेक करना है पंचामृत से, प्रभु राम जी का भी अभिषेक करना है पंचामृत से, गंगा जल से, और उसके बाद आप उनके ऊपर गुलाब के फूलों की माला अर्पित करेंगे। हनुमान जी को गुलाब के फूल बहुत पसंद है, आप चाहे तो जपा कुसुम की माला भी अर्पित कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो मोगरे के फूल की माला भी अर्पित कर सकते हैं, कमल के फूल की माला भी अर्पित करें, आपकी इच्छा है, परंतु लाल फूलों की माला प्रभु को बहुत पसंद है। और उसके बाद आप हनुमान जी के ऊपर, आप मेरे भाई, सिंदूर से और चमेली के तेल से हनुमान जी को चोला चढ़ाएंगे। एक बात आप सभी यहाँ याद रखेंगे कि हनुमान जी की पूजा में अगर आप चमेली के तेल का यूज करते हैं और केवड़े का इत्र यूज करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हनुमान जी को दोनों बहुत प्रिय हैं। जब हनुमान जी को आपने इत्र लगा दिया, तब आपको हनुमान जी के सामने बैठ करके एक चमेली के तेल का दीपक जलाना चाहिए। चमेली का तेल नहीं है कोई बात नहीं, आप तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं, या फिर आप गाय के देसी घी का भी दीपक जला सकते हैं। जला करके फिर आपको वहीं बैठ करके सर्वप्रथम राम चालीसा, राम स्तुति का पाठ करिए। उसके बाद आपको हनुमान चालीसा पाठ करना चाहिए। कितना पाठ करेंगे आप पाठ, देखिए हनुमान चालीसा का अगर हम कोई 100 बार पाठ करता है ना, तो हनुमान जी उसके सारे कष्टों को हर लेते हैं। अगर आपकी कोई स्पेशल विषय है तो आप संकल्प लेकर 100 बार पाठ करिए। टोटल आपको यहाँ पे 4.5 घंटे लगते हैं पाठ करने में, अगर आप आराम से पाठ करते हैं तो। और मैं सजेस्ट करूँगी आराम से बैठ करके बड़े प्रेम से, श्रद्धा भक्ति से पाठ करें। यदि किसी को हेल्थ इशू है, या फिर आप चाहें तो राम रक्षा स्त्रोत का पाठ करें। ऐसा करने से साल भर के लिए हमारी रक्षा होती है सभी प्रकार के विघ्नों से। और हनुमान जी को आपको चाहिए कि आप मोतीचूर के लड्डू या बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं। जी हाँ, हनुमान जी को बूंदी के लड्डू बहुत पसंद है, आप चाहें तो 4 बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं। यदि बूंदी के लड्डू या मोतीचूर के लड्डू नहीं मिल रहे हैं तो पान के पत्ते पर आपको आपकी जितनी उम्र है ना, उतनी उम्र की, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी एज 35 ईयर है तो गुड़ लेना है, जिसे हम जैगरी कहते हैं, छोटे छोटे बॉल बनाने हैं,
साइज़ में, जैसे लड्डुओं की तरह से, तो आप 35 गुड़ की ढेलियों के छोटे छोटे बॉल बना करके, लड्डू बना करके, उन पान के पत्तों पे रख करके हनुमान जी के सामने चढ़ा करके अपनी कोई एक विश चाहें तो ज़रूर बोलें। ऐसा करने से मन की इच्छाएं पूरी होती हैं। अगर आप चाहें तो कल हनुमान जी को मीठे पान का बीड़ा ज़रूर लगाएं, या फिर भोग में, या फिर आप चाहें तो हनुमान जी को पान के पत्तों की माला पहना सकते हैं। अगर आप चाहें तो मंदार के पत्तों की माला भी पहना सकते हैं हनुमान जी को। कहीं से अगर आपको समी के पत्ते मिल जाते हैं तो आप समी के पत्तों की माला भी पहनाइए, हनुमान जी बहुत खुश होते हैं। आप चाहें तो दुर्वा दल भी हनुमान जी पर अर्पित कर सकते हैं। सबसे प्रिय उनको तुलसी दल रखता है, तो आप जो भी भोग हनुमान जी को लगा रहे हैं उसमें तुलसी दल जी के 2 पत्ते ज़रूर डालेंगे और हनुमान जी के ऊपर भी तुलसी दल ज़रूर अर्पित करेंगे। बहुत सारा सरल विधि से मैंने आप लोग का ट्राई किया, आपको पूजा विधि बता दूं। और आप मेरे भाई हनुमान जी को जनेऊ ज़रूर पहनाएंगे। और एक क्वेश्चन यहाँ आता है, क्या महिलाएं, मेरी आप बहनें प्रभु हनुमान जी का पूजा पाठ कर सकती हैं टच कर गए? देखिए हनुमान जी को ना मैं आपको सजेस्ट करूँगी टच करने की क्या ज़रूरत है। आपके घर में जो भी पुरुष हैं, आपके में भी हस्बैंड हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, आप उनसे कहिए कि वो हनुमान जी के ऊपर सिंदूर चढ़ा दें और आप उनके सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करिए और पूजा पाठ करिए। 40 आप सभी पाठ कर सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दीपक भी आप जला सकती हैं, केवल हनुमान जी को टच नहीं करें, बस इतना सा बात आपको याद रखना है। आगे आपकी मर्जी। भक्तों, इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ मुझे सारे क्वेश्चन अपने कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर 8691873745 पर भेज दें। मैं ट्राई करूँगी आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर दे सकूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।